हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या कर रहे हो आप? बस योगा की एक्सरसाइज कर रहा था। यस, वेरी गुड। बहुत अच्छा है कि आप ऐसे नौजवान लोग आज भी योगा करते हैं, अच्छा लगा आपको देख के। थैंक यू। बाय प्रोफेशन मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, इंटरनेशनल कोच एंड इंस्ट्रक्टर के तौर पर मैं अभी काम कर रहे हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं। और हमारी बहुत बड़ी संस्था है प्रसन्न योग पीठ, जो योग के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी आपको हिंट देना चाहता हूँ, आप जो ये कर रहे थे। श्योर श्योर, ठीक है। चलिए अब पोजीशन ले लीजिए, जैसे खड़े थे वैसे ही। अच्छा ठीक है, ये क्या करना है, पैर को टर्न करना है, साथ में ब्रीथिंग करो, हाथ को ऊपर ले जाओ, अब बैंड करो, यहाँ पे ब्रीथ आउट, वापस ब्रीथ इन, हाथ ऊपर ही रखिए, पैर दूसरा टर्न कर दीजिए, यस, और डाउन वापस आप। ओके रिलैक्स, ये हो गया सही। आप जो कर रहे थे वो थोड़ा सा गलत हो रहा था, आपका जो ये पैर है पंजा अंदर वो की तरफ, पैर अंदर था, लेकिन उसको बाहर रखना, बाहर निकाल के, यस, और उसको ब्रीदिंग के साथ किया करें। ब्रीदिंग के साथ, यस। अच्छा, ब्रीदिंग सिस्टम जब तक आपकी अपडेट नहीं रहेगी ना, तो आप कोई भी क्रिया कर लो वो एज अ एक्सरसाइज ही हो जाएगी। अच्छा। लेकिन आप ब्रीदिंग अपडेट करोगे ना, तो आपका बॉडी बहुत फिट रहेगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। श्वसन क्रिया मॉर्निंग सेशन में आप करते रहो, ऐसे ही यू ही बॉडी ऐसे ही फिट रहेगा और तंदुरुस्त रहेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, मैं किस तरीके से यहाँ पे योगा के पोज कर रहा था, योगा की एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन तुरंत ये प्रसन्न योग पीठ के जो इंस्ट्रक्टर है, जो जानकार है, उन लोगों ने मुझे उन्होंने आके मुझे बताया कि किस तरीके से योगा के पोज होते हैं, किस तरीके से हम योगा के बॉडी के पोज को पूरी तरीके से कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी एक्सरसाइज योग के अंदर की जाती है, उन्होंने बताया कि श्वासोश्वास के माध्यम से करें, श्वासोश्वास के साथ करें, तो आपकी बॉडी जो है वो तुरंत ही आपको तंदुरुस्त रखने में सही मदद करेगी। ठीक है, तो आप भी प्रसन्न योग पीठ के साथ जुड़िए। नमस्कार।